डिमॉन्स्ट्रेशन की, जिसमें हमारे सारे ऑफिस बीरर्स सुरजीत जी हमारे के डिमॉन्स्ट्रेशन की, और अपना जो गुस्सा था एक्चुअली बाहर में जो हमारे मेंबर्स हैं ये सोसाइटी को हर एक वर्ग के लोगों को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी ये कहीं बाहर जाते हैं अपने साथियों से, दोस्तों से, मोहल्ले में या अपने टाउन में लोगों से बातचीत करते हैं, तो इनको ये महसूस हो रहा था बहुत दिनों से कि आम आदमी यहाँ डरा हुआ है, लोगों के मनों में खौफ है, उस खौफ को जो है निकालने की ज़रूरत है। उस सिलसिले में आज कल हमने डिसाइड किया कि हम डिमॉन्स्ट्रेशन भी करेंगे और मीडिया से भी बातचीत करेंगे। हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि जितने भी एम्प्लाइज़ कश्मीर रीजन में काम कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, सिख्स हों, जम्मू के हों, चाहे स्टेट के बाहर के हों या मज़दूर हों, इन लोगों में जो डर पैदा हो गया है वो डर इनके माइंड से निकालिए और इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए, ताकि ये नेशनल इंटरेस्ट में अपने जो ड्यूटीज़ इनको सौंपी गई हैं ये अपनी ड्यूटीज़ कर पाएँ। मैं ये देख रहा हूँ आजकल टीवी चैनल्स में कि मोस्टली एम्प्लाइज़ कश्मीर में हड़ताल पे हैं, जम्मू में भी इन्होंने हड़ताल का माहौल बहुत से जगहों पे है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन सभी लोगों से बातचीत करिए और इनको इंश्योर करिए कि ये प्रोटेक्टेड है, ये सेफ है, इनकी सिक्योरिटी बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट ने इनको दी हुई है, ताकि ये लोग अपना काम अच्छे ढंग से निभा पाएँ, अच्छे ढंग से कर पाएँ और नेशनल इंटरेस्ट में जहाँ जहाँ भी जो काम इनको आपने असाइन किया हुआ हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, हेल्थ में हो, एग्रीकल्चर में हो, रूरल डेवलपमेंट में हो या किसी दूसरे जो हमारे स्टेट की सर्विसेज में हैं उसमें ये लोग काम कर रहे हों, इनको किसी किस्म का डर नहीं होना चाहिए। जहाँ मेल फीमेल अगर दोनों हस्बैंड वाइफ कहाँ कहीं जॉब कर रहे हैं, स्टेट पॉलिसी है मियाँ बीबी जो है वो दोनों एक ही जगह पे। मैंने रिसेंटली एक इंसिडेंट जो देखा, अभी एक लड़की जिसकी डेथ हुई, वो बेचारी तो बहुत देर से दोनों हस्बैंड वाइफ रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन दोनों को एक ही जगह पे पोस्ट किया जाना चाहिए, ताकि वो दोनों एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ अपने स्टेशन में जाएं और वहाँ जाके काम करें। लेकिन ये सारा फेलियर जो है, इस फेलियर से लर्न करना चाहिए हम सबको और अपने जहाँ जहाँ इनके छोटे मोटे ग्रीवेंसीज हैं उन ग्रीवेंसीज को भी रिड्रेस करिए और इनको सिक्योरिटी अच्छे ढंग से प्रोवाइड करिए, जो मैंने पहले कहा, ताकि ये अपनी ड्यूटीज़ जो हैं प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएँ।